गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश एंड बियर्ड। मैं हूं इमरान और हम वापस आए हैं आपके लिए एक क्विक सी रेसिपी लेके। ये एक क्विक सेशन होगा जिसमें हम एक डिप बनाएंगे जिसको बोलते हैं ग्वाकामोले। ये एक मेक्सिकन डिश है जो कि वहाँ यूज होती है टाकोस के साथ खाने के लिए, नाचोस के साथ खाने के लिए, और ये बहुत ही क्विकली बन जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ हमें चीज़ों को कट करके मिक्स करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं हमें ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें इसमें लगेगा एवोकाडो। ये मैंने एक एवोकाडो लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक ही एवोकाडो लिया। साथ में हमें लगेंगे टमेटोज। इसमें जो एक्चुअल टमेटोज यूज होते हैं वो रोमा टमेटोज यूज होते हैं, जो कि छोटे होते हैं साइज में, इतने छोटे छोटे, बट वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो हमने ये टमेटोज लिए हैं। साथ ही हमने लिए हैं अनियंस, दो छोटे अनियंस हैं ये, वो लिए हैं। पार्सले है, इसमें आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास पार्सले था तो मैंने पार्सले यूज़ किया है। उसके बाद हमें लगेगा सॉल्ट, ये है काइन पेपर। इस ये नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल अपना रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है लेमन जूस और ये है ब्लैक पेपर। तो आइए इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, पहले सबसे पहले तो हम जो ग्वाकामोले के लिए अनियंस है वो कट कर लेते हैं। तो अनियंस हमें इस तरीके से कट करना है जैसे आप ऑमलेट में डालते हैं, बिल्कुल बारीक आपको इसको करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अनियन को बारीक स्लाइस करने का मैं आपको सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो बता देता हूँ। अनियन में ऐसे आप स्लाइसेस लगाइए, एक बार इसमें जब स्लाइसेस लग गए तो इसमें आप ऐसे स्लाइसेस लगाइए और बस फिर इसे कट कर लीजिए। ये देखिए कितने फाइन पीसेस हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए। ऐसे ही आपको अनियन कट कर लेना है। हमने अनियन को कट कर लिया है, इतना ही फाइन आपको चॉप करना है। अब आइए टमेटोस को भी कट कर लेते हैं, उनको भी वैसे ही कट करना है। और टमेटोस का हम ट्राई करेंगे कि जो बीज है हम वो निकाल दें। इसको भी वैसे ही फाइनली चॉप करना है आपको। ये देखिए इनको भी ऐसे ही फाइनली चॉप करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने टमेटोज को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आइए अब ग्वाकामोले बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक बोल ले लेंगे, इसके अंदर जो ये एवोकाडो है इसे डाल लेंगे। इसे आपको मैश करना होगा तो इसके लिए हम एक फोक ले लेंगे, फोक की हेल्प से हम इसको मैश करेंगे। तो ये मैं एवोकाडो इसमें ले रहा हूँ। अब हम इसे फोक की हेल्प से मैश करना शुरू करेंगे। इसे आपको बिल्कुल मैश कर देना है, ज़रा सा भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये मेक्सिको की एक चटनी है, जैसे हम यहाँ पर चटनियाँ बनाते हैं, ये भी मेक्सिको की एक चटनी है।
इसे आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। ग्रीन चिलीज को भी बिल्कुल बारीक उनको कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एवोकाडो पूरी तरह से मैश हो चुका है, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आइए अब हम इसमें ये प्याज और टमेटोज डाल देते हैं। तो ये भी अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब ये भी हमने मिक्स कर लिया, अब हम शुरू करते हैं इसमें हमारे बाकी के मसाले ऐड करना। तो सबसे हम पहले डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अभी इसमें थोड़ा डालूंगा, बाद में टेस्ट करूंगा, अगर और ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। साथ ही जाएगा इसमें कैन पेपर, ये भी आप जितना तीखा रखना चाहें, मैं इसमें देख सकते हैं आप हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ। अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, ये भी हाफ टी स्पून जाएगा, और खटास के लिए हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना खट्टा रखना चाहें उस हिसाब से डाल लीजिए। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे वापस मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अभी सिर्फ इसमें पार्सली डालना बाकी है, चलिए उसे भी कट कर लेते हैं, इसे हम साइड में रख दें। तो फ्रेंड्स ये हमने पार्सली ली है, इसे भी यहाँ पे बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना बारीक कट कर रहा हूँ मैं, जितना बारीक हो सके। तो ये देखिए ये तैयार है, अब हम इसे भी ऐड कर लेते हैं हमारे गुआकामोले में, और हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा गुआकामोले अब तैयार है, इसे हम अब सर्व करके बताते हैं आपको। तो जी देखिए ये तैयार हो गया, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमने अभी निकाल लिया, हम इसे गार्निश कर देते हैं अभी। ये तो ये देखिए गुआकामोले हमारा रेडी है, अब आप इसे नाचोस के साथ खाइए, टाकोस के साथ खाइए, या कोई भी चिप्स के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है।